तो शुरुआत करते हैं, हमने एक सैंपल क्वेश्चन लिया, इसको पढ़ते हैं। अ डिपार्टमेंट स्टोर चेंज्ड मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू मूव सेल्स इन अ न्यू डायरेक्शन। एक डिपार्टमेंट स्टोर था, उसने अपनी मैनेजमेंट में कुछ बदलाव किया, क्यों? अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। द चार्ट शोज ग्रॉस सेल्स इन 5 डिपार्टमेंट्स इन ईयर 2010 एंड 2012। अच्छा, 2010 और 2012 का अपने को पाई चार्ट दे रखा है, इसमें अपने को 5 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, हाउसवेयर्स, फर्नीचर और ग्रोसरीज। समराइज द इन्फॉर्मेशन एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। अपने को समराइज करनी और कंपेयर करना है, ठीक है, बहुत आसान है, शुरुआत करते हैं। देखो भाई लोग, जैसे ही तुमको पाई चार्ट दिखता है, तुम ना आओ देखो ना ताओ देखो, सबसे पहले क्या करो, क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या क्या डिक्रीज हो रहा है और क्या क्या सेम है। इलेक्ट्रॉनिक्स था 37% था, अब 27% हो गया, यानी वो डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज लिख दिया अपन ने उसका आगे। फिर उसके बाद फैशन था 28% था, अब वो 23% हो गया, यानी डिक्रीज हो गया, ठीक है, डिक्रीज लिख दिया अपन ने। हाउसवेयर्स 15% था, 23% हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज लिख दिया। फर्नीचर 10% था, अब 4% हो गया, घट गया वो, यानी डिक्रीज कर दो। ग्रोसरीज 10% था, बढ़ गया, 23% हो गया, इंक्रीज लिख दिया, ठीक है, बहुत आसान है। अब अपना पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, फिर आखिरी में ओवरऑल। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। द पाई चार्ट रिफ्लेक्ट द डिफरेंसेस इन रेवेन्यूज ऑफ 5 कैटेगरीज ऑफ 5 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर ओवर अ कोर्स ऑफ 2 ईयर्स स्टार्टिंग इन 2010 to 2012, ठीक है। द पाई चार्ट्स रिफ्लेक्ट, पाई चार्ट क्या है, ये प्लूरल है, यानी हमको दो पाई चार्ट दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे एस लगा रहे हैं। अगर ये प्लूरल है, यहाँ पे एस लग रहा है, तो जो आगे वाला शब्द होगा, यहाँ पे हमने रिफ्लेक्ट का यूज किया है, तो इसमें एस नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, मान ली एक ही पाई चार्ट होता द पाई चार्ट, तो आगे वाले शब्द में एस आता, द पाई चार्ट रिफ्लेक्ट्स, पर अभी नहीं आएगा, ठीक है, छोटी सी चीजें पर इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमने रिफ्लेक्ट यूज किया है, लोग क्या यूज कर सकते हैं, शो यूज करते हैं, प्रेजेंट यूज करते हैं, पर हमने नया शब्द यूज किया रिफ्लेक्ट। द डिफरेंसेस इन, आमतौर पर यहाँ पे चेंजेस यूज होता है, पर हमने डिफरेंसेस यूज किया। सेल्स की जगह हमने रेवेन्यू लिख दिया, रेवेन्यू ऑफ 5 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स, 5 कैटेगरीज थी तो यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट इन डिपार्टमेंटल स्टोर ओवर अ कोर्स ऑफ 2 ईयर्स। आमतौर पर क्या यूज होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ, हमने यूज किया ओवर अ कोर्स ऑफ 2 ईयर्स स्टार्टिंग इन 2010 to 2012। एकदम सिंपल सा है पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। अब अगला आता है हमारा बॉडी पैराग्राफ 1। इसके अंदर सबसे पहले हम डिक्रीजिंग पोर्शन को कवर कर रहे हैं। डिक्रीजिंग पोर्शन को हम पहले कवर क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर अभी हम डिक्रीजिंग पार्ट को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इन 2010 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन डिपार्टमेंट्स अकाउंटेड फॉर 65% ऑफ स्टोर्स ग्रॉस रेवेन्यू। बाय 2012 दिस नंबर हैड ड्रॉप्ड टू एग्जैक्टली हाफ ऑफ ऑल सेल्स। ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक्स रिमेन्ड द हाईएस्ट ग्रोसिंग डिपार्टमेंट, इट नेवरदलेस शोड द ग्रेटेस्ट ओवरऑल रिडक्शन एट 10%। बॉडी पैराग्राफ 1 में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंगल सिंगल नहीं यूज करेंगे, जैसे नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं, गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है, हमें ऐसा नहीं करना, हमको एकदम कंपाउंड सेंटेंस बनाना, गाय हमारी माँ है, वो हमें दूध देती है, ऐसा लिंक करके सेंटेंस बनाने, दो तीन को एक साथ ज्वाइन कर करके बनाने, तो हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। हमने यहाँ पे दो डिपार्टमेंट चूज कर लिए डिक्रीजिंग पोर्शन के, एक पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज किया और दूसरा हमने फैशन डिपार्टमेंट को, दोनों को इकट्ठा उठा लिया, ठीक है। इन 2010 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन डिपार्टमेंट अकाउंटेड फॉर 65%। हमने इलेक्ट्रॉनिक उठाया, फैशन डिपार्टमेंट उठाया, इन दोनों को ऐड कर लिया और 65% ऐड कर दिया, ठीक है। अकाउंटेड फॉर 65% ऑफ स्टोर्स ग्रॉस रेवेन्यू बाय 2012। पहले हमने 2010 की बात कर ली, अब अपन इसको चेंज कर रहे हैं सेमी कॉलन लगा के, बाय 2012 दिस नंबर हैड ड्रॉप्ड, अगर डिक्रीज हुआ है तो ड्रॉप्ड यूज कर रहा, अगर इंक्रीज हुआ है तो रोज यूज कर रहा, मैंने आपको दोनों बता दिया, ठीक है। दिस नंबर हैड ड्रॉप टू एग्जैक्टली हाफ ऑफ ऑल सेल्स हुआ है तो एग्जैक्टली यूज करें, अगर रफली हुआ है तो रफली यूज करें। दिस नंबर हैड ड्रॉप टू एग्जैक्टली हाफ ऑफ ऑल सेल्स, हाफ मतलब यहाँ पे देखिए 50% हो गए 2012 में, इसलिए मैंने 50% की जगह हाफ ऑफ ऑल सेल्स लिखा है, बहुत शानदार। ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक्स रिमेंड द हाईएस्ट ग्रोसिंग डिपार्टमेंट, इट नेवरदलेस शोड द, यहाँ पे ग्रेटेस्ट काट दीजिए क्योंकि ग्रेटेस्ट तो यहाँ पे हमारा ग्रोसरी हो रहा है, 10 से 23 हो रहा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट काट दीजिएगा आप। इट नेवरदलेस शोड द ओवरऑल रिडक्शन एट 10%। ये इस लाइन को खूबसूरती दे रही है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक और फैशन डिपार्टमेंट को तो ऊपर वाली लाइन में कवर कर लिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, पर जो अगली लाइन है वो वापस हमको बता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक जो हाईएस्ट ग्रोसिंग डिपार्टमेंट था और उसने 10% का डिफरेंस शो किया। अगर डिफरेंस अलग अलग हो
तो आप अलग भी यूज कर सकते हैं कि ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक रिमेन्ड द हाईएस्ट ग्रोसिंग डिपार्टमेंट बट एक्स वाई जेड नेवरदलेस शोड द ग्रेटेस्ट ओवरऑल रिडक्शन एट 10%। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो ऊपर वाले टेम्पलेट में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्स वाई जेड साथ में लेने पड़ेंगे, ठीक है, ये मैं आपको बताने चाह रहा हूं। तो आपने मूर्ति बना ली थी टेम्पलेट, अब उसको सजाने का काम किया इन दोनों लाइन ने, ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक्स रिमेन्ड द हाईएस्ट ग्रोसिंग डिपार्टमेंट इट नेवरदलेस शोड द ग्रेटेस्ट ओवरऑल रिडक्शन एट 10%। अब देखिए ये लाइन तो आपको खूबसूरत मिल गई, पर अब आप पूछ रहे होंगे भाई साहब टेम्पलेट तो ऐसा होता है जो हर जगह फिट हो, ये लाइन तो हमें रिस्ट्रिक्शन दे रही है कि अगर ऐसा होगा ऐसा नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स जो था यहाँ पे डिपार्टमेंट वो सबसे ज़्यादा था और फिर उसने सबसे ज़्यादा रिडक्शन भी शो किया, तो हमने ये लाइन यूज़ की। तो जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हम ऐसा कुछ ही ढूंढेंगे ना, सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो हम उसको सबसे जो ज़्यादा पोर्शन है तो हम उसको ही लिखेंगे, ऑल दो इलेक्ट्रॉनिक्स रिमेन्ड द हाईएस्ट ग्रोसिंग डिपार्टमेंट, उसको ऐसा यूज कर लेंगे। फिर जो अगली लाइन होगी उसके अंदर हम ढूंढेंगे सबसे ज्यादा रिडक्शन किसने किया है, तो रिडक्शन किसने किया, जैसे अभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया है पर मान लीजिए किसी और ने किया, एक्स ने किया है, तो हम लिख देंगे एक्स नेवरदलेस शोर द ग्रेटेस्ट ओवरऑल रिडक्शन है 10%, ठीक है। और फिर अपन ऊपर ही उन दोनों को ले लेंगे, एक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को अपन ऊपर ले लेंगे, इन 2010 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्स अकाउंटेड फॉर 65%, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, आप लोगों को सेटिंग करनी पड़ेगी कि भाई साहब नीचे वाली लाइन बड़ी खूबसूरत है, हम नीचे वाली लाइन के बतौर लेते ऊपर वाली पोर्शन कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए बॉडी पैराग्राफ वन ही चल रहा है, उसके अंदर डिक्रीजिंग पोर्शन हम बता रहे हैं, सेकेंड पॉइंट, एक लाइन तो लिख दिया अपन, सेकेंड पॉइंट, फर्नीचर द अदर बिग टिकट आइटम सॉ सेल्स श्रिंक बाय मोर देन हाफ ओवर द टू ईयर स्पैन फॉलिंग टू 4% from 10%. Furniture, which comprises almost a 1/10 of all sales in 2010, fell to 4% in 2012. Furniture and housewares added up to 25%, with furniture only 10% of that total in 2010. However, in 2012, the trend almost remained same, with former making up 4%. And later at 23%. Furniture, the other big ticket item. Big ticket मतलब बड़ा भारी item. Furniture, the other big ticket item. Saw sales shrink by. Shrink, हमने shrink use किया. बहुत important शब्द है. Decrease की जगह shrink use किया. Saw sales shrink by more than half. Furniture पहले कितना था? 10% था. पर अब 4% हो गया. तो more than half shrink हो गया. Shrink by more than half over the 2 year span. Over the 2 year span use किया मैंने span. Over a course of 2 years शुरुआत में introduction में use किया था, यहाँ पर अपन ने span use किया. Over a 2 year span. Falling to 4% from 10%. अब देखो यहाँ पर हमने थोड़ी छेड़छाड़ी कर दी, आपको समझ में आया? देखो falling to 4%, पहले हमने 2012 का लिख दिया 4%, फिर उसके बाद from 10% किया, यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी छेड़छाड़ी की पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है आखिरी में. अब यहाँ पे दो पॉइंट बहुत है बॉडी पैराग्राफ वन में, दो पॉइंट बहुत है, इससे ज्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे भी नहीं डिक्रीजिंग पार्ट के, पर फिर भी बाई चांस बहुत ज्यादा ही एग्जामिनर ने तीन तीन पाई चार्ट दे दिए, तब हम क्या करेंगे, इसलिए मैं आपको दो तीन एक्स्ट्रा बता देता हूँ. फर्नीचर विच कम्प्राइजेज ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ ऑल सेल्स इन 2010 फेल टू 4% इन 2012. 10% को हमने 1/10 लिखा है, कम्प्राइजेज ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ ऑल सेल्स इन 2010, ठीक है, फेल टू 4% इन 2012, इतना आसान है, फेल टू 4% डिक्रीज हुआ इसलिए हमने फेल टू लिखा. फर्नीचर एंड हाउस वेयर्स एडेड अप टू 25% विथ फर्नीचर ओनली 10% ऑफ दैट टोटल इन 2010. हाउएवर इन 2012 द ट्रेंड ऑलमोस्ट रिमेन्ड सेम विथ फॉर्मर मेकिंग अप 4% एंड लेटर एट 23%. देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम फिर से कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं, फर्नीचर और हाउस वेयर्स अपन ने दोनों को उठाया है, उन दोनों को ऐड कर लिया और हमारे पास आंसर निकल गया है 25%. फर्नीचर एंड हाउसवेयर एडेड 25%. अब हम वापस हाईलाइटिंग कर रहे हैं, विथ फर्नीचर ओनली 10% ऑफ दैट टोटल इन 2010, कि 2010 में फर्नीचर और हाउसवेयर दोनों को मिला के तो 25% हो रहा था, पर फर्नीचर को उठाएं तो वो बस 10% हो रहा था, ये
थोड़ी हाईलाइटिंग है, थोड़ा पैटर्न है एक नए तरह का। अब लिखना हाउएवर इन 2012 द ट्रेंड रिमेन सेम। अगर रिमेन सेम है तो रिमेन सेम पढ़े रहने देना, अगर बदला है ट्रेंड तो हम लिख देंगे रिवर्स्ड। द ट्रेंड ऑलमोस्ट रिवर्स्ड। रिवर्स्ड मतलब कि भाई फर्नीचर पहले ज़्यादा था, हाउसवेयर कम था, अब फर्नीचर ज़्यादा हो गया, हाउसवेयर कम हो गया, ऐसा कुछ। अब हाउसवेयर ज़्यादा हो गया, फर्नीचर कम हो गया, ऐसा कुछ। अगर ट्रेंड वही है कि फर्नीचर पहले भी ज़्यादा था, हाउसवेयर से और अभी भी ज़्यादा है, तो हम रिमेन सेम ले लिखेंगे। पर अगर उल्टा हो गया कि हाउसवेयर फर्नीचर से ज़्यादा हो जाए 2012 में, तो हम रिवर्स लिखेंगे। फिलहाल अभी तो रिमेन सेम लिख रहे हैं। द ट्रेंड रिमेन सेम विद फॉर्मर मेकिंग अप 4% एंड लेटर एट 23%। ठीक है, ऑलमोस्ट हटा देना यहाँ से, रिमेन सेम जब लिखो, पर रिवर्स लिखो तो ऑलमोस्ट लगा देना, बहुत आसान है। अब बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 लिखने जा रहे हैं। बॉडी पैराग्राफ 2 में हम इंक्रीजिंग पार्ट और सेम जो पार्ट रहेगा वो लिखेंगे। ठीक है, ग्रोसरी आइटम एंड हाउसवेयर्स मीनवाइल इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली जंपिंग फ्रॉम 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली टू 23% ईच इन 2012। फॉर ग्रोसरीज दिस इज जंप ऑफ मोर देन डबल द प्रीवियस सेल्स फिगर। इसमें फिर से हम कंपाउंड सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा कंपाउंड सेंटेंस का यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा फायदा। हमने ग्रोसरीज और हाउसवेयर दोनों को उठाया, ग्रोसरी आइटम है ना हाउसवेयर, मीनवाइल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली जंपिंग फ्रॉम 10% एंड 50%। ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो हम यूज़ करें इंक्रीज सिग्निफिकेंटली जंपिंग फ्रॉम 10% एंड 15%। ग्रोसरी 10% था और हाउसवेयर 15% था, रिस्पेक्टिवली टू 23% ईच। अगर अलग अलग हो तो आप अलग अलग वैल्यू लिखना, पर यहाँ पे सेम वैल्यू थी तो मैंने ईच का इस्तेमाल किया है, टू 23% ईच इन 2012। ये हो गया सिंपल पोर्शन। देखो एग्जामिनर को लगा भाई इसने तो यहीं पे 2012 में ख़त्म कर दिया, पर हमने यहाँ पे ख़त्म नहीं किया है, हमने यहाँ से शुरुआत की, हमने तो और बना दिया। फॉर ग्रोसरीज दिस इज जंप ऑफ मोर देन डबल द प्रीवियस सेल्स फिगर। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। सेकेंड वाला पढ़ता है, ओवर द टू ईयर स्पैन ग्रोसरीज एंड हाउसवेयर्स witnessed an increase in sales with groceries showing the greatest rises. ठीक है, housewares escalated 1.5 times going from 15% to 23% exactly equal to fashion and groceries department. Grocery and houseware witnessed an increase in sales. दोनों की sales increase हुई with groceries showing the greatest rises. आप देख सकते हैं grocery जो था पहले 10% था, ठीक है, वो बढ़कर 23% हो गया, जिसने पूरे चार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा राइस शो किया, इसलिए हमने विद ग्रोसरी शोइंग द ग्रेटेस्ट राइजेस। ठीक है, हाउसवेयर्स एस्केलेटेड 1.5 times गोइंग फ्रॉम 15% टू 23% एक्जैक्टली इक्वल टू फैशन एंड ग्रोसरीज डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने आपको लाइनक्राफ्ट में बताया होगा, आपको याद हो तो, मैं आपको यहाँ पे भी ये काम आ सकता है, जैसे हाउसवेयर एस्केलेटेड 1.5 times मतलब डेढ़ टाइम्स, कभी जैसे आपको 2% से 20% हो रहा है तो आप 10 times भी लिख सकते हैं, 20 times भी लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे 15% से 23% हो रहा है, यानी 1.5 times गोइंग फ्रॉम 15% टू 23% रफली और एग्जैक्टली की जगह वो चूज कर सकते हैं आप, एग्जैक्टली इक्वल टू फैशन एंड ग्रोसरी डिपार्टमेंट। यहाँ पे फिर से हमने इसको लिंक कर दिया, हाउसवेयर को हमने फैशन और ग्रोसरी से लिंक कर दिया, एग्जैक्टली इक्वल टू फैशन एंड ग्रोसरी डिपार्टमेंट। अगर थोड़ा 19-20 भी हो ना तो आप रफली के यूज़ करना, पर ये टेम्पलेट का यूज़ ज़रूर करना। आप सोच रहे हो कि भाई साहब अगर यार ऐसा सिचुएशन बनी नहीं बनी, नहीं भाई हमको बनानी है सिचुएशन, हम रफली का यूज़ कर लेंगे, पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये बोनस हो गया थोड़ा। फर्नीचर एंड ग्रोसरीज ईच कंट्रीब्यूटेड टू 10% ऑफ सेल्स इन 2010 विद इनवर्स चेंजेस बाय 2012। सेकेंड वाला था, इन कॉन्ट्रास्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स एंड वाई रिमेन कॉन्स्टेंट इन बोथ ईयर्स एट 10%। इसमें दिया गया है कि भाई साहब फर्नीचर का है ये ऑरेंज वाला और ग्रोसरीज ये पर्पल वाली, फर्नीचर और ग्रोसरीज दोनों का 10-10% था पहले 2010 के अंदर, पर 2012 में कुछ गड़बड़ हो गई, 2012 में इनवर्स चेंजेस बाय 2010, मतलब इनवर्स चेंजेस मतलब जरूरी नहीं कि भाई एकदम ही उल्टा हो, इनवर्स चेंजेस मतलब बदलाव हो गए, नॉर्मल बदलाव को भी हम इनवर्स चेंजेस से दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेकेंड वाले देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स एंड वाई रिमेन कॉन्स्टेंट इन बोथ ईयर्स एंड 10%। एकदम सिंपल सा है, सेम पैटर्न चल रहा है, 2010 में भी उसकी वही वैल्यू थी, 2012 में भी उसकी वही वैल्यू थी, तो नॉर्मल। इन कॉन्ट्रास्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स एंड वाई रिमेन कॉन्स्टेंट इन बोथ ईयर्स एट 10%। ये खत्म होता है बॉडी पैराग्राफ 2। ठीक है, लगा कि नहीं इफेक्टिव था सच बताना, लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना भाई। अब बनाते ओवरऑल व्हाट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द सर्कुलर ग्राफ इज दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ग्रोसरीज एंड फर्नीचर
contributed the least to stores' gross revenue, while electronics was the most significant revenue sector in comparison to at the end of the period. Electronics remained the largest sales segment and the lowest contribution was made by furniture department. हम यहाँ पे ओवरऑल में क्या लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या था और सबसे कम था. 2010 में सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू थी, सबसे कम किसकी वैल्यू थी. 2012 में सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू थी, सबसे कम किसकी वैल्यू थी. बस ओवरऑल इतना सा पैटर्न हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है. ओवरऑल व्हाट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द सर्कुलर ग्राफ, पाई चार्ट को हमने सर्कुलर ग्राफ का नाम दिया है. ओवरऑल व्हाट स्टैंड्स आउट पूरे सर्कुलर ग्राफ से क्या उभर के आता है, इज दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब 2010 के अंदर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ग्रोसरी एंड फर्नीचर कंट्रीब्यूटेड द लीस्ट. ग्रोसरी और फर्नीचर की सबसे कम वैल्यू थी 10% टू स्टोर्स ग्रॉस रेवेन्यू. इसके अंदर आपको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूँ, सिर्फ कम ज्यादा लिखना है. व्हाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सबसे सिग्निफिकेंट मतलब सबसे हाईएस्ट सेक्टर था. इन कंपेरिजन, यहाँ पे टू भी लिखा देना, यहाँ पे टू लिखा हुआ नहीं है. इन कंपेरिजन टू एट द एंड ऑफ द पीरियड, 2012 को हमने किससे दर्शाया, एट द एंड ऑफ द पीरियड. मैंने बताया ना यहाँ पे आपको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश लिख रहे होंगे. एट द एंड ऑफ द पीरियड इलेक्ट्रॉनिक्स रिमेन द लार्जर सेल सेगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट था सेल सेगमेंट, एंड द लोएस्ट कंट्रीब्यूशन वॉज मेड बाय फर्नीचर डिपार्टमेंट. लोएस्ट कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा दिया गया, फर्नीचर डिपार्टमेंट के द्वारा. आसान था ना. शुरुआत करते हैं सबसे पहले सैंपल क्वेश्चन के साथ. हमें सैंपल क्वेश्चन दिया गया है, द टेबल बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ अडल्ट्स हु पेड फॉर एडमिशन टू वेरियस एंटरटेनमेंट इवेंट्स इन फाइव नेशंस, समराइज द इंफॉर्मेशन. शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ. द टेबल रिफ्लेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन सेल्स ऑफ फोर कैटेगरीज ऑफ एंटरटेनमेंट टाइप्स इन फाइव डिफरेंट कंट्रीज इन 2012. द डेटा इज प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एवरेज अडल्ट अटेंडेंस एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. टेबल रिफ्लेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन, टेबल किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, सेल्स के बारे में, सेल्स ऑफ फोर कैटेगरीज ऑफ एंटरटेनमेंट इवेंट्स इन फाइव डिफरेंट कंट्रीज. पांच डिफरेंट कंट्रीज में होने वाले एंटरटेनमेंट इवेंट की टिकट के सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है हमें टेबल. कौन से साल में, इन 2012, ठीक है. द डेटा इज प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ, डेटा किसके टर्म्स में प्रेजेंट किया है, परसेंटेज में प्रेजेंट किया है, डॉलर्स में प्रेजेंट किया है, रुपीज में प्रेजेंट किया, बताइए. द डेटा इज प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एवरेज अडल्ट अटेंडेंस एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज के रूप में दिया. अब सुनिए भाई लोग, पहले जो हमने राइटिंग टास्क देखे थे उसमें हमने पहले देखा था इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैराग्राफ वन, बॉडी पैराग्राफ टू, फिर ओवरऑल. पर मैं सोचता हूँ यार हर बार आपको कुछ नई चीज दूँ, तो पैटर्न तो वही है, पर मैं आपको बॉडी पैराग्राफ वन, बॉडी पैराग्राफ टू ऐसा नहीं दिखा रहा. आप अपनी मर्जी से कीजिए, मैं आपको टेम्पलेट बता रहा हूँ कि अगर सेम वाली सिचुएशन दिख गई आपको तो आप कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे. अगर आपको सिचुएशन दिखती है यहाँ पे तो डबल हो रहा है कि पैटर्न डबल हो रहा है, नंबर डबल हो रहा है, तो आप कौन सा पैराग्राफ यूज करेंगे. अगर आपको सिचुएशन दिख गई कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ग्रेटेस्ट गैप हो रहा है, तो आप कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे. अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि भाई यहाँ पे तो स्मॉल डिफरेंस है, तब आप कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे. तो ऐसे टेम्पलेट में बना के लाया हूँ आपके लिए, और जो मैंने सीक्वेंस मेंटेन किया आप इसी सीक्वेंस में अपना बॉडी पैराग्राफ और बॉडी पैराग्राफ टू कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है. तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले टेम्पलेट के साथ. सबसे पहले आता है सेम, सेम मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम ही, थोड़ा सा डिफरेंस हो. जैसे यहाँ पे हम बात करने वाले परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में. परफॉर्मिंग आर्ट्स में देखो 39.4, 31.9, 41.9, 34.7, 41.4%, मतलब 10% के अंदर ही है, मतलब सिमिलर ही है थोड़ा बहुत. तो हम इसके लिए टेम्पलेट यूज करेंगे. व्हाइल परफॉर्मिंग आर्ट्स डू नॉट शो अ ग्रेट डिस्क्रिपेंसी इन अडल्ट अटेंडेंस रेंजिंग फ्रॉम अ लो ऑफ 31.9% इन कैनेडा टू अ हाई ऑफ 41.9% इन फ्रांस. वाइल से शुरुआत करना, सेक्शन का नाम लिखना, जो भी सेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं पूरा सेक्शन कवर कर ले टेम्पलेट में आप. डू नॉट शो अ ग्रेट डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस शो नहीं करता. इन अडल्ट अटेंडेंस, अडल्ट अटेंडेंस मतलब जिन जिन ने टिकट खरीदी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए टिकट खरीदी उनके बारे में बात हो रही है. रेंजिंग फ्रॉम अ लो ऑफ 31.9% इन कैनेडा टू अ हाई ऑफ 41.9% इन फ्रांस. बहुत आसान था ना. नेक्स्ट टेम्पलेट डबल के लिए. डबल आपको कहाँ दिख रहा है, म्यूजियम एंड गैलरी विजिट में हमको डबल दिखाई दे रहा है. यूएसए के लिए 20% था, फिर बाद में फ्रांस के लिए 39.1, मतलब अप्रॉक्स 40% हो गया. डबल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. हम यूज करेंगे टेम्पलेट, इट इज डिफरेंट फॉर म्यूजियम एंड गैलरी विजिट्स.
फ्रांस नियरली डबल्स द यूएसए इन दिस रिगार्ड, 39.1% टू 20.6%. इट इज़ डिफरेंट फॉर म्यूजियम एंड गैलरी विजिट्स. म्यूजियम और गैलरी विजिट एक ही आप देख सकते हैं, आप उसको अलग मत समझिएगा. इट इज़ डिफरेंट फॉर म्यूजियम एंड गैलरी विजिट. फ्रांस नियरली डबल्स द यूएसए इन दिस रिकॉर्ड. नियरली क्यों लगाया, क्योंकि 39.1 है ना, एग्जैक्टली 40 नहीं है, इसलिए नियरली लगाया. फ्रांस नियरली डबल्स द यूएसए इन दिस रिकॉर्ड. इसमें टेम्पलेट में सबसे अच्छी बात क्या है, इन दिस रिकॉर्ड हम यूज कर रहे हैं, इन दिस रिकॉर्ड, और फिर ब्रैकेट में उसको लिख देंगे 39.1% टू 20.6%. फ्रांस यूएसए को डबल कर रहा है. फ्रांस की वैल्यू पहले लिखेंगे 39.1%, फिर यूएसए की वैल्यू लिखेंगे 20.6%. ऐसा पैटर्न रहेगा और ब्रैकेट में लिखना, ये बहुत अच्छी चीज है. इट इज डिफरेंट फॉर म्यूजियम एंड गैलरी विजिट. फ्रांस नियरली डबल्स द यूएसए इन दिस रिगार्ड, और रिगार्ड हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 39.1% टू 20.6%. फ्रांस डबल्स द यूएसए, तो फ्रांस की वैल्यू पहले लिखेंगे 39.1% और यूएसए की वैल्यू बाद में लिखेंगे 20.6%. ठीक है, स्मॉल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स. देयर इज अ सिमिलरली स्मॉल वेरियंस अमंग द फाइव कंट्रीज, विद द यूके बोस्टिंग द मोस्ट टिकेट्स सोल्ड टू अडल्ट्स एट 31.1%, फ्रांस द लोएस्ट एट 22.7%. अब देखिए, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट देयर इज सिमिलरली स्मॉल वेरियंस. सिमिलरली स्मॉल वेरियंस जो शब्द है वो आप यूज कर सकते हैं स्मॉल डिफरेंस के लिए. वेरियंस का मतलब हो गया वेट डिफरेंस. सिमिलरली स्मॉल वेरियंस अमंग द फाइव कंट्रीज, अगर अमंग द फाइव कंट्रीज अपन लिख रहे हैं, मान लीजिए तीन कंट्रीज में डिफरेंस स्मॉल डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो आप लिख देना अमंग द थ्री कंट्रीज, उनका नाम लिख देना साइड में, फिर लिख देना विद, फिर उनका मैक्सिमम और मिनिमम भी लिख देना, क्योंकि स्मॉल डिफरेंस है ना. एग्जैक्टली सेम होता तो हम नहीं लिखते, पर क्योंकि स्मॉल डिफरेंस है तो हम लिखेंगे विद द यूके बोस्टिंग द मोस्ट. बोस्टिंग मतलब हाईएस्ट वैल्यू. विद द यूके बोस्टिंग द मोस्ट टिकेट सोल्ड टू अडल्ट्स एट 31.1%, फ्रांस द लोएस्ट एट 22.7%. यहाँ पे एंड वेंड नहीं आएगा, बीच में कॉमा है, 31.1% के बाद कॉमा है. फ्रांस द लोएस्ट एट 22.7%. ओके, ये था स्मॉल डिफरेंस के लिए, बट वेरी इफेक्टिव. सिनेमाज मीनवाइल अट्रैक्ट ओवर हाफ द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ कैनेडा एंड द यूएस, व्हाइल इन यूरोप द हाई इज जस्ट 46.4% इन द यूके. देखिए, हमने यहाँ पे सिमिलरिटी ढूंढी. हमने क्या देखा, सिनेमा वाला सेक्शन उठाया, उसमें हमने देखा यूएसए और कनाडा की वैल्यू 50% से ज़्यादा है. यूएसए की 59.7% है और कनाडा की 52.6% है. ठीक है, और फ्रांस जर्मनी यूके में क्या सिमिलरिटी देखी, कि ये तीनों यूरोप से बिलोंग करते हैं. तो हमने ये दोनों सिमिलरिटी पकड़ी और इस हिसाब से हमने एक टेम्पलेट बनाया. सिनेमाज मीनवाइल अट्रैक्ट ओवर हाफ द अडल्ट पॉपुलेशन. ओवर हाफ मतलब 50% से ज़्यादा. Attract over half the adult population of Canada and the US, while in Europe the high is just 46.4%. While in Europe the highest, Europe की सबसे highest value क्या है, 46.4% in the UK, UK के अंदर. ठीक है, हमने पूरा section इस template के द्वारा cover कर लिया. फिर से हमारे पास simple but effective वाला template आता है. Over half of Canadians and Americans adult bought film tickets, the latter at 59.7% of the population. And the former at 52.6%. ये हमने सिनेमा वाले सेक्शन को रीराइट किया है थोड़े अलग भाषा में. देखिए, ओवर हाफ ऑफ कैनेडियन एंड अमेरिकन अडल्ट बॉट फिल्म टिकट. हमने सिनेमा में क्या दर्शाया, फिल्म टिकट खरीदेंगे, इसलिए हमने यूज कर दिया बॉट फिल्म टिकट्स. द लेटर एट 59.7% ऑफ द पॉपुलेशन एंड द फॉर्मर एट 52.6%. इसमें हमने क्या किया, यूरोप को मैंशन नहीं किया है, हमने सिर्फ किसको हाईलाइट किया, कैनेडियन और अमेरिकन को, कि भाई साहब ये दोनों 50% से ज़्यादा, इसलिए हमने यूज़ किया ओवर हाफ ऑफ कैनेडियन एंड अमेरिकन अडल्ट बॉट फिल्म टिकट, द लेटर एट 59.7%. लेटर मतलब बाद वाला, अमेरिकन ऑफ द पॉपुलेशन एंड द फॉर्मर एट 52.6%. ओके, अब हमारे पास फिर से दूसरा सेक्शन आ जाता है डबल वाला. डबल यहाँ पे चीज़ें डबल हो रही है, आइए देखते हैं. म्यूजियम एंड गैलरीज वर फेवर्ड बाय जस्ट अ फिफ्थ ऑफ अडल्ट्स इन द यूएसए and only 15.6% of adults in Canada. Figures that were nearly doubled and more than doubled respectively by their European counterparts. यहाँ पर हमने सेक्शन उठाया म्यूजियम और गैलरी वाला, पूरा सेक्शन उसको कवर कर रहे हैं हम. देखिए, म्यूजियम एंड गैलरी वर फेवर्ड बाय जस्ट अ फिफ्थ ऑफ अडल्ट्स इन द यूएसए. 20 जो रहता है वो 100 का पांचवा हिस्सा होता है, इसलिए हम जस्ट अ फिफ्थ का इस्तेमाल करेंगे.
जस्ट अ फिफ्थ ऑफ अडल्ट इन द USA एंड ओनली 15.6% ऑफ अडल्ट इन कैनेडा. डायरेक्ट वैल्यू लिखी यहाँ पे, ओनली 15.6% ऑफ अडल्ट इन कैनेडा. फिगर्स दैट वर नियरली डबल्ड एंड मोर देन डबल्ड रिस्पेक्टिवली बाय देयर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स. इसमें क्या बता रहा है कि भाई साहब USA और कैनेडा के तो बहुत कम कम थे, 20.6% और 15.6% था, पर इसकी वैल्यू डबल कब हुई? यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के द्वारा. तो हमने ऐसे दर्शा दिया फिगर्स दैट वर नियरली डबल्ड एंड मोर देन डबल्ड रिस्पेक्टिवली बाय देयर यूरोपियन काउंटर पार्ट. सेम का फिर से आ जाता है. अमंग यूरोपियन अडल्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट अट्रैक्टेड सिमिलर नंबर्स. एकदम छोटा सा है, जैसे यूरोपियन की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी उनके ज़्यादातर सिमिलर नंबर थे, सिनेमा में भी सिमिलर नंबर थे, म्यूजियम में भी सिमिलर नंबर थे, स्पोर्ट्स में भी सिमिलर नंबर थे, ज़्यादा फर्क नहीं था. तो हम इसके लिए एक लाइन यूज़ कर सकते हैं, क्यों ना यूज़ करें हम, अमंग यूरोपियन अडल्ट ऑल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट अट्रैक्टेड सिमिलर नंबर्स. इसमें क्या बता रहे हैं, स्पोर्ट्स भी उठा लिया हमने, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी उठा लिया हमने, बोला स्पोर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट वर विद इन अ 10% डिफरेंस. देखिए 39.1% था, 39.9% था, 41.9% था, 34.7, मतलब 10% के अंदर ही आ रहे हैं, 10% से ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं. वैसे स्पोर्ट्स में भी ये 27 था, फिर 23 था, 22 था, 26 था, फिर 31 था, ये तो 10% से भी कम है. फिर भी हम 10% लिख रहे हैं, 9% यहाँ पर, तो पर फिर भी लिखते हैं वर विद इन अ 10% डिफरेंस अमंग ऑल कंट्रीज. डिफरेंस को हम वेरियंस बोल रहे हैं. ऑफ डबल बार आगे इसको काट देते हैं. स्मॉल वेरियंस फिर से हमारे पास है. स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स टिकट परचेज वर विद इन अ 10% वेरियंस अमंग ऑल कंट्रीज. ग्रेटेस्ट गैप, द ग्रेटेस्ट गैप वॉज अबाउट 7% बिटवीन जर्मनी एंड बोथ फ्रांस एंड द UK इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स. परफॉर्मिंग आर्ट उठाया उसमें, हमने बताया इसमें ग्रेटेस्ट गैप कहाँ पे, ग्रेटेस्ट गैप है जर्मनी और फ्रांस और UK. फ्रांस और UK में बराबर है क्योंकि वैल्यूज, जर्मनी और फ्रांस और UK में 7% का गैप है. तो हमने लिखा द ग्रेटेस्ट गैप वॉज अबाउट 7% बिटवीन जर्मनी एंड बोथ फ्रांस एंड द UK इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. बहुत आसान है चीज़. फिर से हमारे पास स्मॉल वेरियंस आ गया. स्मॉल वेरियंस ज़्यादा आ रहा है क्योंकि स्मॉल वेरियंस आता ही है, टेबल में ज़्यादातर स्मॉल वेरियंस ही रहता है. वेरियंस वाइल स्पोर्ट्स हैड लेस देन 8% डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट UK 31.1% एंड द लोएस्ट फ्रांस 22.7%. इसमें क्या खास बात है, इसमें हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है. ब्रैकेट का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है. ब्रैकेट का इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए. आप सोच रहे होंगे ब्रैकेट ऐसे ही नहीं, चीज़ें मैटर करती है. वाइल स्पोर्ट्स हैड लेस देन 8% डिफरेंस, स्पोर्ट्स के अंदर 8% का डिफरेंस था बिटवीन द हाइएस्ट, फिर हमने हाइएस्ट और लोएस्ट लिख दिया. हाइएस्ट 31.1% था और 22.7% फ्रांस के अंदर था. ठीक है, जितने भी टेम्पलेट्स आपको बताएं आप प्लीज़ उनको नोट कर दीजिए. बहुत शानदार टेम्पलेट है, इससे शानदार आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ. हियर दैट द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन ऑल 5 कंट्रीज वॉज मूवीज. द लीस्ट फेवर्ड वॉज म्यूजियम एंड गैलरीज इन द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स इन यूरोप. ओवरऑल हमेशा की तरह वही समराइज कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्या है और सबसे कम क्या है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है, मूवीज फेवरेट थी पांचों कंट्रीज में. ओवरऑल इट इज क्लियर दैट द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन ऑल 5 कंट्रीज वॉज मूवीज. ठीक है, और लीस्ट फेवर्ड लिख देंगे. द लीस्ट फेवर्ड वॉज म्यूजियम एंड गैलरीज इन द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट. नॉर्थ अमेरिकन मतलब USA और कैनेडा एंड स्पोर्टिंग इवेंट इन यूरोप. यहाँ पे लिस्ट फेवरेट थोड़ा अलग अलग था तो हमने अलग अलग करके लिख दिया. म्यूजियम एंड गैलरीज इन द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट एंड स्पोर्टिंग इवेंट इन यूरोप. देखो सबसे पहले क्या बात होती है लाइन क्राफ्ट में, इंट्रोडक्शन आता है. देखो सबसे पहले क्या आता है, इंट्रोडक्शन, फिर आता है बॉडी पैराग्राफ 1, अरे फिर आता है बॉडी पैराग्राफ 2, फिर आता है ओवरऑल, है ना. तो इंट्रोडक्शन का मैं टेम्पलेट बताऊंगा. बॉडी 1 में अपन क्या करने वाले, बॉडी 1 में अपन इंक्रीजिंग ट्रेंड को डिस्क्राइब करेंगे. जैसे लाइन ग्राफ है, इसमें कुछ ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, कुछ ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है, कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड अपन ऊपर ले लेंगे. बॉडी 2 में अपन डिक्रीजिंग ट्रेंड या फ्लक्चुएशन, जो भी अजीब सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है ना, उसको बॉडी 2 में ले लेंगे. बाद में ओवरऑल लिख देंगे, बहुत आसान होगा. तो अपन सबके टेम्पलेट देखने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन का देखेंगे, ओवरऑल का देखेंगे, इंक्रीजिंग पैटर्न का देखेंगे, डिक्रीजिंग पैटर्न का देखेंगे. इंट्रोडक्शन का ये रहा. द लाइन चार्ट प्रेजेंट्स
देखो सब लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, द लाइन ग्राफ इलुस्ट्रेट, अपन अलग ही, द लाइन चार्ट प्रेजेंट्स द चेंज इन, ये अपन ले लेते ग्लोबल सेल्स, ग्लोबल सेल्स ओवर अ 30 ईयर पीरियड स्टार्टिंग इन 1980. ओके देखो द लाइन चार्ट प्रेजेंट्स द चेंज इन ग्लोबल सेल्स ओवर अ 30 ईयर पीरियड स्टार्टिंग इन 1980. मतलब कि अपन लाइन ग्लोबल सेल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि 30 साल पुराना है. मतलब अपन मैंने काउंट कर लिया उसको 1980 से 2010 तक मैंने काउंट कर लिया, तो 30 लिख दिया है ना, थोड़ा नया लगे बस. फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं, अब उसके बाद मैं बताऊंगा कि सेल्स डाटा है ना, सेल्स का डाटा जो है ना इज शोन इन टर्म्स ऑफ मिलियन, मिलियन में दिया हुआ है, जो वाई एक्सिस का कर्व है ना, वाई एक्सिस का ग्राफ है लाइन, वो सारे मिलियंस में डाटा दिए. तो मैं लिख रहा हूं सेल्स डाटा इज शोन इन मिलियंस, टर्म्स ऑफ मिलियंस. कोई डॉलर में दिया हो तो आप डॉलर लिख सकते हो है ना, कि सेल्स डाटा इज शोन इन टर्म्स ऑफ डॉलर, मतलब कुछ भी लिख सकते हो ठीक है, या परसेंटेज भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया अपना, बहुत बढ़िया शानदार हो गया. ये होगा 3 बैंड का इंट्रोडक्शन. ठीक है ना, ऐसा इंट्रोडक्शन लिखोगे ना भाई साहब मजा आ जाएगा एग्जामिनर को. अब उसके बाद आता है इंक्रीजिंग टेम्पलेट. बॉडी वन में अपन इंक्रीजिंग पार्ट शुरू करने जा रहे हैं. तो अपन कैसे शुरुआत करेंगे, पहले अपन ईयर लिखेंगे इन 1980, एक्शन हॉरर एडवेंचर एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म विटनेस्ड है ना इन 1980, एक्शन हॉरर एडवेंचर एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म विटनेस्ड एंड इंक्रीजिंग सेल्स. मतलब इंक्रीजिंग पैटर्न हुआ इनका, विटनेस्ड एंड इंक्रीजिंग सेल्स विथ एक्शन एंड एनिमेशन मूवीज शोइंग द ग्रेटेस्ट प्राइस. पहले तो लिख दिया ये सारी इंक्रीज हो रही है, अब अपन ने लिख दिया भाई साहब एक्शन और एनिमेशन सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बहुत भयंकर लेवल पे इंक्रीज हो रही है, शोइंग द ग्रेटेस्ट प्राइस स्पेशली आफ्टर 2000 के बाद सबसे ज्यादा राइज शो कर रही है. भाई साहब ये आप टेम्पलेट लगा देना भाई, चिपका देना ऐसा कैसा. फिर उसके बाद आता अपना इंक्रीजिंग टेम्पलेट, इंक्रीजिंग पैटर्न का ही है. अब इसके आगे अपन क्या लिखेंगे, इसके आगे अपन मैं आपको कुछ ज्यादा बताने जा रहा हूँ, जैसे 1 2 3 क्या पता अब कोई ग्राफ है ना, तो जैसे लाइन ग्राफ है कोई सा, तो उसमें ये भी 2-3 लाइनें इंक्रीज हो रही है, क्या पता अपने को, क्या पता सारी लाइनें इंक्रीज हो, इसलिए अपने को टेम्पलेट थोड़े ज्यादा याद करने पड़ेंगे. ठीक है, पूरा रटने की जरूरत नहीं, आप रोज थोड़ा थोड़ा इन टेम्पलेट के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसे कोई रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो अपन टेम्पलेट नंबर 1 शुरू करते हैं. ठीक है, एक्शन टिकट सेल्स इंक्रीज शार्पली बहुत तगड़ा इंक्रीज शुरुआत में शो किया उसने है ना. अब एक्सीडिंग मतलब इसने किसको पीछे छोड़ दिया, एक्सीडिंग कॉमेडी को उसने पीछे छोड़ दिया. कॉमेडी इन कौन से साल में पीछे छोड़ा, 1987 लग रहा है हमको, अप्रॉक्स लिख देना 1987 है ना. एंड रीचिंग ऑलमोस्ट, अब कहां तक पहुंच चुका है, एंड रीचिंग ऑलमोस्ट 1500 मिलियन इन द एंड ऑफ पीरियड, मतलब साल के आखिरी तक वो, मतलब पूरा जब ग्राफ खत्म हो रहा है ना, तो यहां तक 1500 मिलियन तक पहुंच गया. अब ये कोई कठिन है क्या, कितना आसान है भाई साहब, फालतू में अपन डरते है ना. ये आप लगा देने टेम्पलेट है ना. अब दूसरे के लिए आप ऐसा लगा सकते हो, एक्शन मूवी टिकट सेल्स ऑलमोस्ट क्वाड्रपल्ड मतलब 4 गुना हो गई. क्वाड्रपल्ड कितना खूबसूरत शब्द है यार, अगर 3 गुना हुई आप लिख देना ट्राइरपल्ड, 5 गुना हुई आप लिख देना पेंटरपल्ड. ठीक है ना, डबल्ड भी लिख सकते हो है ना. एक्शन मूवी टिकट सेल्स ऑलमोस्ट पूरी एग्जैक्ट तो लिखी नहीं मैंने, पर ऑलमोस्ट क्वाड्रपल्ड फ्रॉम जस्ट 400 मिलियन
टू अबाउट 1600 मिलियन। ऑलमोस्ट लिखा ना, टू अबाउट 1500 मिलियन। ठीक है, ओवर द स्पैन ऑफ ग्राफ 1500 मिलियन ओवर द स्पैन ऑफ ग्राफ, मतलब पूरे आखिरी ग्राफ के अंत में। ठीक है, ये भी बहुत शानदार टेम्पलेट है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, है ना। एक और टेम्पलेट बताता हूँ, अपना स्कमी दोनों है। ठीक है, वाइल एनिमेशन फिल्म, एनिमेशन मूवी एस्केलेटेड 12 times। देखो पहले अपन ने क्या लिखा, नॉर्मल अपन ने इंक्रीजिंग ट्रेंड लिखा, है ना, रीचिंग क्या लिखा अपन ने, इंक्रीज शार्पली एक्सीडिंग कॉमेडी, मतलब ये अपन ने नई चीज यूज की, एक्सीडिंग मतलब पार कर दिया उसको। ठीक है, अब दूसरे अपन ने क्या यूज किया, दूसरे अपन ने ये क्वाड्रपल शब्द अलग तरह का यूज किया। ठीक है, अब इधर अपन क्या यूज कर रहे हैं, 12 times, है ना। ठीक है, तो अपन तीनों में थोड़ा अलग अलग अपन ने पैटर्न यूज किया। गोइंग फ्रॉम, वाइल एनिमेशन मूवी एस्केलेटेड 12 times, गोइंग फ्रॉम 100 मिलियन टू 1200 मिलियन, रफली इक्वल टू, है ना। अब अपन यहां पे लिख सकते हैं रफली इक्वल टू, जैसे कभी ये ऐसा हो, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी रफली इक्वल टू यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, आप यूज कर सकते हो, ग्राफ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब भाई साहब देखो, इंक्रीजिंग का ये हो चुका है कि इंक्रीजिंग टेम्पलेट हुआ है, अगर शार्प इंक्रीज हुआ, आप इन तीनों में से कोई सा टेम्पलेट यूज कर सकते हो। इसको तो अपन स्टार्टिंग में यूज करेंगे, अपने को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी लाइन इंक्रीज हो रही है, तो अपन उसको इसमें लग जा देंगे। ठीक है, फिर उसको और इन लाइन को और डिस्क्राइब करने के लिए इनमें से कोई सा टेम्पलेट यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद कोई, अब ये शार्प इंक्रीज के लिए हो गया, अब देखो स्लाइट इंक्रीज भी होती है कोई लाइन, है ना, या बीच में भी शुरुआत होती है स्लाइट इंक्रीज की, तो स्लाइट इंक्रीज में अपन कौन सा यूज करेंगे, अपन देखते हैं। स्लाइट इंक्रीज डिक्रीज टेम्पलेट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एंड हॉरर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री एंड हॉरर फिल्म्स हैड अ लेस सिग्निफिकेंट राइज। सिंपल सी एक छोटी सी लाइन लिखनी है, डॉक्यूमेंट्री एंड हॉरर फिल्म हैड अ लेस सिग्निफिकेंट राइज, ये थोड़ा नया शब्द है, सिग्निफिकेंट राइज, लेस सिग्निफिकेंट राइज। ठीक है, ये हो गया पहला, दूसरा हो गया From that time on, मतलब इंक्रीजिंग, मतलब स्लाइट इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा कि मतलब बीच में ही आएगा, जैसे ये पहले इंक्रीज हुआ फिर स्लाइट इंक्रीजेस है, तो अपन यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम दैट टाइम ऑन, यहां से फ्रॉम दैट टाइम ऑन द ग्राफ कंटिन्यूड विद अ मिनिमल ग्रोथ ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं ना, फ्रॉम दैट टाइम ऑन द ग्राफ कंटिन्यूड विद अ मिनिमल ग्रोथ ऑफ, जैसे कि अपन कुछ भी लिख सकते हैं, 10% की मिनिमल ग्रोथ हो गई, 20% की मिनिमल ग्रोथ हो गई, ऐसा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं फिगर शोड स्लाइट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ, इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट लिख सकते हो, कभी डिक्रीज हुआ तो ये भी लिख सकते हो, फिगर शोड स्लाइट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑफ टू 20 मिलियन 20%, कुछ भी। ठीक है, फोर्थ आता है कि अब यहाँ पे ड्यूरेशन भी मेंशन कर सकते हो, जैसे फ्रॉम 1980 टू 2000 देयर वॉज स्लाइट इंक्रीज डिक्रीज इन रेट ऑफ, इन रेट ऑफ सेल्स, है ना। तो भाई साहब ये इंक्रीज डिक्रीज बहुत इजी होता है ना, इनका इनका कोई ज्यादा टेंशन मत लेना, है ना। अब आता है डिक्रीजिंग टेम्पलेट, अब डिक्रीजिंग टेम्पलेट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए अपन के पास दो टेम्पलेट है, दो है ना, नहीं तीन टेम्पलेट अपने पास इसके पास भी। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं, लिख दू, देखो कॉमेडी फिल्म, कॉमेडी फिल्म बिगेन द पीरियड मतलब उसने चालू किया, अपन कॉमेडी फिल्म ने सबसे पहले शुरुआत कैसे की, जस्ट ओवर 600 मिलियन एंड शो डिक्रीमेंट इन देयर रेट। सिंपल, अपन ने क्या यूज किया कि कॉमेडी फिल्म बिगेन द पीरियड एट जस्ट ओवर 600 मिलियन, मतलब अपन ने उसको कॉमेडी फिल्म में पहले बहुत इससे शुरुआत की, फिर वो डिक्रीज हुई। ये अपन इस टेम्पलेट से डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, छोटा टेम्पलेट है पर नेक्स्ट वाला थोड़ा अच्छा टेम्पलेट है, इसको आप बीच में यूज कर सकते हो, जैसे बहुत कम छोटा सा अपने को डिस्क्राइब कर रहा है तो अपने को यूज कर सकते हैं। अब बॉडी पैराग्राफ टू पूरा ही डिक्रीमेंट का, तो अपन ये वाला टेम्पलेट यूज करेंगे, अपन लिखेंगे कॉमेडी कॉमेडी फिल्म्स
विच स्टार्टेड एट द सेम लेवल, मतलब कॉमेडी फिल्म शुरू हुई उसमें अपने क्या लिखा, बिगेन द पीरियड एट जस्ट ओवर, अपन यहाँ पे वैल्यू पुट की 600 मिलियन से शुरू हुई कॉमेडी फिल्म, ठीक है। अब यहाँ पे अपन डेटा नहीं लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, कॉमेडी फिल्म विच स्टार्टेड एट द सेम लेवल एज डॉक्यूमेंट्री फिल्म, मतलब कि कॉमेडी फिल्म उस लेवल से स्टार्ट हुई जहां से डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्टार्ट हुई, है ना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, ठीक है। यहां पे लिख देंगे इन, यहां पे ईयर मेंशन कर देंगे 1980, ठीक है। कॉमेडी फिल्म विच स्टार्टेड एट द सेम लेवल एज डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स इन 1980 स्टेडिली फेल, मतलब लगातार गिली, स्टेडिली फेल टू अराउंड 350 मिलियन बाय 2000, मतलब 2000 तक 350 मिलियन तक गिर गई हो, ठीक है। रफली इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखो रफली इक्वल टू, मतलब इसमें अपन कंपेयर कर रहे हैं, रफली इक्वल टू गिरी, कहाँ तक गिरी, हॉरर फिल्म के बराबर हो गई, हॉरर फिल्म टिकट सेल्स, रफली इक्वल टू हॉरर फिल्म टिकट सेल्स। वाह, ये टेम्पलेट बहुत शानदार टेम्पलेट है, आप इसको यूज करो। अपन यहाँ पे तो कंपेरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ने सिंपल डाटा यूज किया, ठीक है, यहाँ पे अपन ने कंपेरिजन यूज किया, अपन ने मेथड ही चेंज कर दी, कॉमेडी फिल्म विच स्टार्टेड एट द सेम लेवल एज डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, फिर आखिरी में अपन क्या लिखा, रफली इक्वल टू हॉरर फिल्म, शुरुआत में वो इसके बराबर थी, फिर आखिरी में इसके बराबर हुई, है ना। ये सिचुएशन में डिपेंड करता है, आप पढ़िए इनको ध्यान से समझिए, फिर देखिए आपको क्या मस्त बैंड आते हैं, खुश हो जाएंगे आप बिल्कुल। अब आता तीसरा, ठीक है, तीसरा ये है, हाउएवर इट ड्रामेटिकली डिक्लाइंड टू, ठीक है, कॉमेडी फिल्म्स वर टॉप सेलर विद जस्ट ओवर 600 मिलियन इन 1980। यहाँ पे अपन पूरा डाटा यूज करा और साथ साथ टॉप सेलर थी वो, अगर टॉप सेलर भी हो, कॉमेडी फिल्म वर टॉप सेलर्स विथ जस्ट ओवर 600 मिलियन इन 1980। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर का मतलब देखो, हाउएवर मोर ओवर में आपको डाउट नहीं देना चाहिए, देखो हाउएवर अपन कब यूज करते हैं और मोर ओवर कब यूज करते हैं, मोर ओवर, देखो हाउएवर तब यूज किया जाता है, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, और मोर ओवर का मतलब हालांकि कब यूज करते हैं, कि अपन सेंटेंस के विरुद्ध जा रहे हो, पहला सेंटेंस लिखा कि मेरे को फल बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं जैसे मेरे को बर्गर बहुत अच्छा लगता है, पर वो मतलब हालांकि वो नुकसान करता है, अपन ने पहले सेंटेंस के विरुद्ध कहे, ठीक है। और मोरओवर का भी यूज करते हैं, मोरओवर तब यूज करते हैं जब अपन सेंटेंस के मतलब साथ हो, जैसे मेरे को फल बहुत अच्छे लगते हैं और फल सस्ते भी आते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और फल मेरे को फल बहुत अच्छे लगते हैं और फल सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा मोरओवर। और तो और, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि और मोरओवर का मतलब होता है और तो और, हाउएवर इट ड्रामेटिकली डिक्लाइन, पहले वो टॉप सेलर थी हालांकि वो ड्रामेटिकली डिक्लाइन हो गई टू अराउंड 350 मिलियन, 350 मिलियन बट बाय 2000, ठीक है, एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय, मतलब वो किसके पीछे छूट गए, पहले मैंने क्या लिखा था, ये देखो इधर मैंने क्या लिखा था, कहां गया, कोई बात नहीं, हाँ एक्सीडिंग, एक्सीडिंग मतलब उसने उसको पार कर दिया, ठीक है, है ना। एक्शन टिकट सेल इंक्रीज शार्पली, एक्सीडिंग मतलब कॉमेडी को उसने पीछे छोड़ दिया। अब यहां पे मैं क्या यूज कर दूं, लेफ्ट बिहाइंड बाय, लेफ्ट बिहाइंड मतलब कॉमेडी किसके पीछे रह गई, कॉमेडी किसके पीछे रह गई थी, एनिमेशन फिल्म के पीछे रह गई, फिल्म इन 1996, पहले उसके आगे थी पर 1996 में वो एनिमेशन फिल्म के पीछे हो गई। अब देखो ऐसी मेथोडिकल मेथड यूज करोगे आप, सेंटेंस यूज करोगे तो कौन रोक पाएगा यार आपको 9.5 साल से, है ना। अपन इंक्रीज का देखा, स्लाइट इंक्रीज डिक्रीज का देखा, पर ने डिक्रीज का भी देख लिया। अब आप देखो कुछ अजीब से भी आ जाते हैं, जैसे लेवल्ड ऑफ इट, इसका मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, लेवल्ड ऑफ मतलब टिका रह गया, वो हिला ने ना ऊपर हुआ ना नीचे हुआ, एकदम लेवल कॉन्स्टेंट हो गया, तो अपन यूज कर सकते सेंटेंस, हैविंग फॉलन शार्पली मतलब पहले गिरा, इन द फॉलोइंग ईयर्स द परसेंटेज देन लेवल्ड ऑफ इट, मैं आपको ऐसी नॉर्मल सेंटेंस बता रहा हूँ ताकि आपको यूज समझ में आ जाए, ठीक है,
कि आप लेवल्ड ऑफ को बीच में कैसे लिख सकते हो, द परसेंटेज देन लेवल्ड ऑफ एट कुछ भी लिख सकते हो जैसे 350 million, ठीक है, हैविंग फॉलन शार्पली इन द फॉलोइंग ईयर्स द परसेंटेज देन लेवल्ड ऑफ एट, ठीक है। अब रिमेन्ड स्टेडी भी यूज कर सकते हो, मान लो दो दो ग्राफ है जो एकदम लेवल्ड ऑफ है मतलब कॉन्स्टेंट है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, एक ही शब्द को बार बार यूज नहीं कर सकते ना, इसलिए मैं बात बता रहा हूं आपको रिमेन्ड स्टेडी को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा होता है फ्लक्चुएशन, कोई ग्राफ है जो ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप सिंपल वर्ड यूज सकते हो फ्लक्चुएटेड, ठीक है। नहीं तो एक और शब्द है रीच्ड अ हाई ऑफ, ये सिर्फ एक सिंगल के लिए, रीच्ड अ हाई ऑफ या पिक्ड एट, ठीक है, और रीच्ड अ लो ऑफ डिप्ड, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी कभी आ जाते हैं ऐसे डायग्राम्स भी बने हुए आ जाते हैं, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, आपको वर्ड पता होना चाहिए ना क्या यूज कर सकते, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब ये फ्लक्चुएशन के लिए द ग्राफ फ्लक्चुएटेड अराउंड, द ग्राफ फ्लक्चुएटेड अराउंड 350 मिलियन फॉर द एंटायर पीरियड, मतलब एक ही वैल्यू के अराउंड फ्लक्चुएट होता रहा, तो अपन ये यूज कर सकते द ग्राफ फ्लक्चुएटेड अराउंड 350 मिलियन फॉर एंटायर पीरियड, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब मैंने आपको सारे ग्राफ सारे पैटर्न बता दिया, मैं आपको एक मिक्स पैटर्न बता रहा हूं, अब इसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये मिक्स पैटर्न है, पहले इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ फ्लक्चुएट हुआ, इसमें सारे कवर हो जाएगा, ठीक है। ये अपन कोई सा भी ये टेम्पलेट भी आप यूज कर सकते, कहीं पे भी आप लगा देना चिपका देना है ऐसा कैसा, ठीक है। इन द मीन टाइम द लाइन, द मीन टाइम द लाइन डिपिक्टिंग, ये देखो कितना सुंदर वर्ड है, ये पूरा फ्रेज बहुत अच्छा है, द लाइन डिपिक्टिंग इन द मीन टाइम, द लाइन डिपिक्टिंग मतलब वो कौन सी लाइन जो डिपिक्ट हो रही है उसके, द लाइन डिपिक्टिंग एनिमेशन मूवीज ग्रीड टू, सिंपल सा शब्द है पर बहुत अच्छा है, द इन द मीन टाइम द लाइन डिपिक्टिंग एनिमेशन मूवीज ग्रू टू अराउंड 400 million, ग्रू टू अराउंड 400 million, ठीक है, मतलब ऐसा है कि 400 million पे ऐसे ग्रो ही, ठीक है। इन द मीन टाइम द लाइन डिपिक्टिंग एनिमेशन मूवी ग्रू टू 400 million, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन 1980 कुछ भी लिख दो अपन, जैसे ग्रू टू अराउंड इन 1980 एंड देन रिमेन स्टडी, फिर वो स्टडी रही ऐसे सीधी रही सीधी सीधी, ऐसा कुछ ग्राफ होगा सीधी रही, ठीक है, एंड देन रिमेन स्टडी अंटिल 2000 तक वो सीधी रही, ठीक है। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, ये भी कितना अच्छा शब्द है, फ्रॉम दैट टाइम ऑन, है ना, मैं इसमें क्या यूज करता, आफ्टर दैट, है ना, एक सिंपल सा वर्ड यूज करता आफ्टर दैट या एंड लिख के अपन नया सेंटेंस शुरू करते, नहीं, पर मैंने लिखा फ्रॉम दैट टाइम ऑन। अब ये देखो इससे आपको बैंड नहीं मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे यार, इसको यूज करो, फ्रॉम दैट टाइम ऑन इट एक्सपीरियंस्ड फ्लक्चुएशन टू अराउंड 500 million, उसने 500 million पे फ्लक्चुएशन हुई, जैसे यहाँ पे फ्रॉम दैट टाइम ऑन 500 million पे फ्लक्चुएशन हुई, ऐसा कुछ हुआ होगा फ्लक्चुएशन, ठीक है। अब उसके बाद फ्लक्चुएशन हुई, ठीक है, फ्लक्चुएशन नेगेटिव आ रहा थोड़ा सा, मोर ओवर, क्योंकि फ्लक्चुएशन को ही मैं सपोर्ट कर रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं मोर ओवर, नहीं तो मैं हॉवर लिखता, अगर इंक्रीज होता तो हॉवर लिखता। मोर ओवर इट एक्सपीरियंस्ड अ स्टेडी फॉल हुआ, अगर इंक्रीज होता ना तो मैं हॉवर लिखता, क्योंकि डिक्रीज हुआ है फ्लक्चुएशन के बाद डिक्रीज हुआ है तो मैं मोर ओवर लिख रहा हूं, ठीक है, इसको समझो आप ध्यान से, है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। मोर ओवर इट एक्सपीरियंस्ड अ स्टेडी फॉल टू ऑलमोस्ट 200 million, मोर ओवर इट एक्सपीरियंस्ड अ स्टेडी फॉल टू ऑलमोस्ट 200 million एट दिस पॉइंट, ये भी बहुत अच्छा है, At this point, the graph saw a rebound. मतलब अब यहां पे fall हुआ, है ना? अब ऐसे इस fall के दौरान उसने rebound शुरू किया, एक rebound, इसको बोलते हैं rebound. At this point, the graph saw a rebound and finished the period. मतलब उसने finished the period with about यहां पे 1.2 billion. यहां से रिबाउंड हो सकता है ना अचानक से एकदम तगड़ा रिबाउंड, तो अपन ने लिख दिया सॉ रिबाउंड एंड फिनिश द पीरियड विद अबाउट 1.2 बिलियन,
है कि नहीं शानदार। आप इसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता तब तक पढ़िए, रोज पढ़िए इसको, एकदम मगज में बिठा लीजिए ऐसे शब्दों को, फिर देखिए आपके कितने बैंड आते बताना फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में, है ना। अब मैंने इंक्रीज का लिख दिया, मैंने आपको मिक्स्ड भी बता दिया, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहना, आप कहीं पे भी लगाओ ना भाई, इन द मीन टाइम द लाइन डिपिक्टिंग, ऐसे शब्द लगाओ कहीं पे भी, कोई सा भी ग्राफ उठा लो, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं ओवरऑल, अब ओवरऑल भी बहुत एकदम लो क्वालिटी का नहीं, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का ओवरऑल है ये भी, ठीक है। ओवरऑल व्हाट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द ग्राफ इज, मतलब सार क्या निकला, ओवरऑल मतलब इस ग्राफ का सार क्या निकला, तो मैंने लिख दी व्हाट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द ग्राफ इज दैट एक्शन एंड एनिमेशन मूवीज, एक्शन एंड एनिमेशन मूवी सेल्स शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, मतलब इसने अपवर्ड ट्रेंड शो किया, व्हाइल आप लिख सकते हो व्हाइल, फिर यहां पर लिख देना जैसे कॉमेडी, कॉमेडी फिल्म सेल्स एक्सपीरियंस डाउनवर्ड ट्रेंड, या कभी फ्लक्चुएशन हुआ तो आप फ्लक्चुएशन भी लिख देना, ये पूरा डिस्क्राइब कर देना कि डाउनवर्ड ट्रेंड शो किया, या फिर कॉमेडी फिल्म्स एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशन एंड एंड अप विद वेरी लो लो सेल और हाई सेल भी लिख सकते हो, कभी मतलब डिक्रीज हुए तो लो सेल ही होगा, पर कभी आप डिक्रीज का हो ही नहीं पूरे ग्राफ में इंक्रीज ही हो तो एंड अप विद वेरी हाई सेल भी लिख सकते हो, हाई डिमांड ऐसा कुछ लिख सकते हो। तो इसको याद रखो, मेन क्या है कि ओवरऑल व्हाट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द ग्राफ इज, ये लाइन लिख देना सबसे पहले, तो रट लो इसको जाते से लिख देना, ओवरऑल व्हाट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द ग्राफ इज दैट, ये दोनों ने अपवर्ड ट्रेंड शो किया और इसने डाउनवर्ड ट्रेंड शो किया, ऐसे लिख देना। पर कभी कोई ग्राफ में अपवर्ड ट्रेंड हो तब आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, जैसे ऑल फोर ऑफ द जेनरी शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, ऐसा लिख सकते हो ना, ये डिपेंड करती है सिचुएशन पे, पर मोटा मोटा आप ऐसे यूज कर सकते हो ओवरऑल को। वाइल कॉमेडी एक्सपीरियंस डाउनवर्ड ट्रेंड, या फ्लक्चुएशन हो तो फ्लक्चुएशन के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। एंड ग्राफ एंड अप विद वेरी लो सेल्स और हाई सेल, वो डिपेंड करता है। अपन ने चेक निपटा दिया, अपन ने पूरा लाइन ग्राफ निपटा दिया, बहुत अच्छी तरह से निपटाया है ना। अब इसके बाद आपको किसी वीडियो की जरूरत थी, किसी कोई किताब की जरूरत थी, आप बस क्वेश्चन सोल्व करिए, है ना, कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए उसको उस टेम्पलेट में फिट करने की कोशिश कीजिए, है ना। फिर देखिए आपके बैंड की बरसात होती है आपसे, है ना। अभी अपन लाइन ग्राफ कंप्लीट कर दिया, बार चार्ट भी अपन आएंगे, फिर पाए आएंगे, टेबल आएंगे, अपन बहुत जल्दी वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो तब तक आप पढ़िए इसको बहुत अच्छी तरह, पढ़िए एक बार, पढ़िए दो बार, पढ़िए तीन बार, पढ़िए पढ़ते जाइए जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए, रोज पढ़िए इसको, आपके एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, एकदम जगह बना लेनी चाहिए, है ना, ठीक है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सैंपल क्वेश्चन के साथ। द चार्ट्स बिलो शो व्हाट यूके ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हु डिड नॉट गो इनटू फुल टाइम वर्क डिड आफ्टर लीविंग कॉलेज इन 2008। इस क्वेश्चन में हमें दो बार चार्ट दिए गए हैं। पहला वाला बार चार्ट यूके ग्रेजुएट्स का है जिन्होंने फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर अलग एक्टिविटीज में ध्यान दिया। हमको क्या क्या चार एक्टिविटीज दे रखी है, पहली है पार्ट टाइम वर्क, दूसरी वॉलेंटियर वर्क, तीसरी है फर्दर स्टडीज और चौथी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। और दूसरा वाला यूके के पोस्ट ग्रेजुएट का है जिन्होंने फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर अलग अलग फील्ड्स में ध्यान दिया। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, एनालाइज करना है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ, आपको समझ में आएगा, देखिए। इंट्रोडक्शन, द बार चार्ट्स डिस्प्ले व्हाट यूके ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वेंट ऑन टू डू आफ्टर लीविंग यूनिवर्सिटी इन 2008। दोज हु स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम वर एक्सक्लूडेड। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, क्वेश्चन को रिट्रेस किया है। द बार चार्ट डिस्प्ले, डिस्प्ले शब्द का इस्तेमाल किया है प्रेजेंट की जगह। द बार चार्ट डिस्प्ले व्हाट यूके ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट वेंट ऑन टू डू आफ्टर लीविंग यूनिवर्सिटीज इन 2008 के अंदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ने क्या क्या फील्ड को चुना अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद। जैसे कोई बच्चों ने पार्ट टाइम वर्क को चुना, किसी ने वॉलेंटियर वर्क चुना, किसी ने फर्दर स्टडीज को चुना और कोई अनएम्प्लॉयड रह गए। दोज हु स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम वर एक्सक्लूडेड। इस ग्राफ के अंदर हमने वो डेटा प्रेजेंट किया जिन्होंने फुल टाइम वर्क किया, जैसे किसी ने जॉब किया, अपना फुल टाइम बिजनेस किया। तो इंट्रोडक्शन इतना छोटा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता हमारा मेन शेरू भाई, बॉडी पैराग्राफ 1। मेंबर्स ऑफ द ग्रेजुएट क्लास नॉट परफॉर्मिंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नंबर्ड रफली 10 टाइम्स हायर देन द पोस्ट ग्रेड्स इन द सेम पोजिशन। अकॉर्डिंगली पोस्ट ग्रेड्स
who choose to continue their education totaled just below 10% of those in the graduate class at 2725 and 2965 respectively. सबसे पहले हमने पार्ट टाइम वर्क वाला सेक्शन उठाया है. मेंबर ऑफ द ग्रेजुएट क्लास मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट, मेंबर ऑफ द ग्रेजुएट क्लास नॉट परफॉर्मिंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब पार्ट टाइम वर्क, नंबर्ड रफली 10, यहाँ पे 10 लिखा है पर आप इसको काट के 7 कर लीजिएगा, नंबर्ड रफली 7 टाइम्स हायर देन द पोस्ट ग्रेड्स इन द सेम पोजिशन. इस छोटे से टेम्पलेट से हम ये बता रहे हैं कि पार्ट टाइम वर्क वाला जो सेक्शन है इसमें ग्रेजुएट का नंबर पोस्ट ग्रेजुएट से 7 गुना ज्यादा है, 7 गुना. हमने वापस पार्ट टाइम वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, हमने आखिरी में यूज किया इन द सेम पोजीशन मतलब सेम बार के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट टाइम वर्क के बारे में बात की जा रही है. ये हो गया पहला सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस आता है अकॉर्डिंगली या इन कॉन्ट्रास्ट. अकॉर्डिंगली कब लगाएंगे, जब ऊपर जो हमने सेंटेंस लिखा है और जो नीचे सेंटेंस लिखने वाले हैं वो दोनों सेम ट्रेंड के हैं. ऊपर क्या था, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट से ज्यादा था, तो नीचे भी वही पोजीशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट से ज्यादा होना चाहिए. अगर उल्टा होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट से ज्यादा है तो फिर हम इन कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे, पर बहरहाल अभी हम अकॉर्डिंगली का इस्तेमाल कर रहे हैं. अकॉर्डिंगली पोस्ट ग्रेड हु चूज टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन. अब हमने कौन सा सेक्शन उठाया, हमने फर्दर स्टडीज वाला सेक्शन उठाया. टोटल जस्ट बिलो 10% ऑफ दोज इन ग्रेजुएट क्लास, पोस्ट ग्रेड के जो नंबर है वो ग्रेजुएट के 10% है केवल. ग्रेजुएट के कितने, 29,665 यानी 30,000 के करीब है. पोस्ट ग्रेड के फर्दर स्टडीज के अंदर 2,700 करीब है मतलब 3,000 कुछ है, तो हम इसको बोल सकते हैं 10%, जस्ट बिलो 10% ऑफ दोज इन ग्रेजुएट क्लास. फिर आखिरी में वैल्यूज लिख ली क्योंकि हमको वैल्यूज दी गई है एट 2725 एंड 2965 रिस्पेक्टिवली. बस इतना सही है. अब देखिए यहाँ पर हमने सिंगल सिंगल बार उठाया पर उसे बहुत खूबसूरती के साथ अच्छे से शब्दों में डाल के उसको कवर किया है हमने, ठीक है. अब बॉडी पैराग्राफ 2 आता है. अ सिमिलर रिलेटिव पोजीशन इज एविडेंट अमंग दोज चूजिंग टू वॉलंटियर एंड दोज हु कुड नॉट फाइंड अ जॉब, वेयर एज 3500 ग्रेजुएट फाउंड वॉलंटियर वर्क एंड ओनली 345 ऑफ ग्रेजुएट डिड द सेम. Likewise, 16,235 graduates and 1,625 postgraduate could not find work. A similar relative position is evident among those choosing to volunteer and those who could not find a job. अब हमने इसमें दो दो चीजें उठाई है. हमने उठाया सबसे पहले volunteer, आप volunteer देख सकते हैं, और दूसरा हमने those who could not find job यानी unemployment को उठाया है. इनकी values देख सकते हैं आप लिखी हुई यहाँ पे बार चार्ट में. Those who could not find job. Whereas 3500 graduate found volunteer work. Graduate में चाहे तो हाँ 3500 graduate found volunteer work. Only 345 of post graduates did the same. यहाँ पे post लगा लीजिएगा आप. Only 345 of graduate did the same. Likewise कब लगा रहे हैं, अगर same position है. अगर अलग position हो जाती है कि post graduate से ज्यादा होगा ऐसा कुछ हो जाता है तो हम however लगाएंगे, पर अभी likewise लगा रहे हैं. Likewise 16,235 ग्रेजुएट एंड 1,625 पोस्ट ग्रेजुएट्स कुड नॉट फाइंड वर्क. डायरेक्ट वैल्यू लिखिए. सबसे पहले वाले टेम्पलेट में हमने 10 टाइम्स किया, फिर उसके बाद 10% कर दिया था. अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, पर हमने यहाँ पे दो दो को उठाया है, कंपाउंड सेंटेंस बनाया बहुत तगड़ा वाला. हमने वॉलंटियर और अनएम्प्लॉयमेंट को साथ में उठा लिया है. बॉडी पैराग्राफ ही कंटिन्यू हो रहा है. द मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन दिस ग्रुप इज द इन क्लास रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट टाइम वर्कर्स एंड दोज चूजिंग टू फर्दर स्टडीज. Among the graduates, the later category almost double the former, while among the postgrads, this number witnessed almost equal with 2,725 choosing continue their education to 2,535 part-timers. The most striking difference between these group is in-class relationship between part-time worker and those choosing to further studies. फिर से हमने यहाँ पे दो दो चीजें उठा ली, part-time को उठा लिया और further studies को एक साथ उठा लिया. फिर वापस graduate और postgraduate. Among the graduate, the later category almost double the former. अब इस वाले template में थोड़ा अलग है, थोड़ा आपने ध्यान दिया होगा. यहाँ पे हम category को compare कर रहे हैं, ना कि graduate और postgraduate को compare कर रहे हैं. हम लोग यहाँ पे part-time worker और further study को compare कर रहे हैं. हम यहाँ पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पार्ट टाइम वर्कर और फर्दर स्टडीज को कंपेयर कर रहे हैं. देखिए द लेटर कैटेगरी ऑलमोस्ट डबल द फॉर्मर मतलब पार्ट टाइम वर्कर पहले 15,000 से थोड़ा ऊपर था और फर्दर स्टडीज बाद में 30,000 था ग्रेजुएट के अंदर, तो डबल हो गया ना, ऑलमोस्ट डबल द फॉर्मर. वाइल अमंग द पोस्ट ग्रेड दिस नंबर विटनेस्ड ऑलमोस्ट इक्वल विद 2725 चूजिंग कंटिन्यू देयर एजुकेशन टू 2535 पार्ट टाइमर्स.
अब पोस्ट ग्रेड के अंदर कंपेयर कर लिया कि ऑलमोस्ट इक्वल था, पार्ट टाइम वर्कर की वैल्यू 2535 थी और फर्दर स्टडीज की वैल्यू 2725 थी, ऑलमोस्ट इक्वल था। तो यहाँ पर हमने कैटेगरी को कंपेयर किया, ना कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को। कितना नया है, आपने सुना है आज तक ऐसी चीज? इस सीरीज में हमने बहुत नई नई चीजें देखी, आपने कहीं नहीं देखी होगी, मैं गारंटी लेता हूँ। ये सारे 9 बैंड के टेम्पलेट थे, कोई ग्रामर कोई वोकेबुलरी फंसाने की कोशिश नहीं की गई है, एकदम कंपाउंड सेंटेंस बनाने की कोशिश की गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओवरऑल व्हाट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द ग्राफ इज ग्रेजुएट्स फार आउटनंबर्ड पोस्ट ग्रेड्स। बोथ ग्रुप्स डेमोन्स्ट्रेटेड सिमिलर टेंडेंसी विद कंटिन्यूड स्टडी बींग द प्रिफर्ड ऑप्शन एंड वॉलंटियर वर्क द लीस्ट फेवर्ड वन। ओवरऑल के अंदर कुछ भी नहीं रहता, सबसे हाईएस्ट प्रिफर्ड के बारे में लिखते हैं और सबसे लोएस्ट प्रिफर्ड के बारे में लिखते हैं। इसके अंदर हम, मैं बता दूं, इसके अंदर हम वैल्यूज नहीं लिखते, इसके अंदर हम इंग्लिश से काम चलाते हैं। ओवरऑल वॉट स्टैंड आउट फ्रॉम द ग्राफ इज ग्रेजुएट फार आउट नंबर पोस्ट ग्रेजुएट्स। मतलब आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर ग्रेजुएट की वैल्यू पोस्ट ग्रेजुएट से बहुत ज्यादा है। जैसे ग्रेजुएट की वैल्यू तो 17,000 है, तो पोस्ट ग्रेजुएट की वैल्यू 2,000 है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो हम इस लाइन को डिस्क्राइब किया, ग्रेजुएट फार आउट नंबर पोस्ट ग्रेजुएट। बोथ ग्रुप्स डेमोन्स्ट्रेटेड सिमिलर टेंडेंसी। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिजाइन दोनों ग्राफ की सेम है, अगर अलग अलग हो। You will go through the diagram template. After that, all your doubts will be cleared. This template is surely going to help you in getting 3 out of 3 in writing task 1. If you stay till end, I promise you, you will not go without liking the video. Let's start with introduction. Okay. The diagram depicts the information about. Always remember that singular will use the word depicts. But if plural is there, then like diagrams, then S is not going to come here. Okay. Don't forget this. The diagram depicts the information about manufacturing of bricks. It is manifested from the flow chart that how many? Seven steps are involved. Here you will write first step and after two you will write last step. Okay. The diagram depicts the information about manufacturing of bricks. It is manifested from the flowchart that 7 steps are involved, from getting of a clay from ground to bricks delivery to customers. So, you will write introduction for report like this. The diagram depicts the information about manufacturing of bricks. It is manifested from the flowchart that 7 steps are involved, from getting of a clay from ground to bricks delivering to customers. Let's go on the body paragraph 1. Now, please be focused. We will look at the things in detail. Okay? After analyzing. What a nice phrase. After analyzing, it is clear that in the first step. What is first step? A clay is dug up by using a big digger. Okay. Once. Okay. When you want to shift from one procedure to another one, for that you will write once, right? Once the clay is available means you are highlighting the first step. Once the clay is available, now you will write second step. It is placed on a metal grid. To get rid of oversized pieces, and required clay pieces are dropped into a large roller to get rid of the oversized pieces and required clay pieces are dropped onto a large roller. Okay. After analyzing, it is clear that in the first step, a clay is dug up by using a big digger.
Once the clay is available, it is placed on a metal grate to get rid of oversized pieces, and required clay pieces are dropped into a large roller. Okay. By a large roller, you have separated the small pieces and large pieces. Yeah. Now, after that, after the separation stage, sand and water are added to clay. Now, in both these sentences, first we have highlighted the previous stage and then describe upcoming stage. This type of methodical sentence will help you in getting 3 out of 3 points. Following this, bricks are shaped by using a wire cutter or mold. Now one body paragraph is over. After analyzing, it is clear that in the first step, a clay is dug up by using a brick digger. Once the clay is available, it is placed on a metal grate to get rid of oversized pieces, and required clay pieces are dropped into a large roller. After the separation stage, sand and water are added to clay. Following this, bricks are shaped by using wire cutter or mold. Let's move on to body paragraph 2. Okay. So it's written, the diagram further correlates that in the subsequent step means upcoming step, molded bricks are moved to a drying oven for 24 to 48 hours. Next, the bricks are fired in a special kiln before being packaged at the sixth stage, the bricks are treated in a cooling chamber for 48 to 72 hours. Before being packaged at 6th stage, the bricks are treated in a cooling chamber for 48 to 72 hours. Now this is such a strong sentiment. We have talked about 6th step before 5th one. Yeah, isn't it? Now, in the 7th and last step, the entire manufacturing process concluded after the bricks are delivered to market. Overall, it can be seen bricks production is a long and tedious process involving many steps. Missing of any step can halt the whole diagram. You have to fill only one word. Your overall is ready. Now whole diagram template is available for you. It's ready-made. You can write any process diagram by following this, and no one can stop you in getting 3 out of 3 in writing task 1.
The plans below show a public park when it first opened in 1920 and the same park today. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words. Got it. The question will be given like this. Now let's take a look at Grange Park 1920, then Grange today. It means one map is from past and one map is from present. Very simple. Now let's look at Grange 1920. Okay. Whatever we talk about in 1920, for that we will use past tense. There used to be, like there used to be or there was for. For example, there used to be rose garden, okay? When you talk about something that happened in present, for that we will use present perfect tense. Yeah, present perfect tense, okay? Like a amphitheater has been made. It is passive voice and present perfect tense. Seats have been removed. New water feature has been constructed. There used to be, was, and for present has been, have been. Okay, like this. By the way, if both maps are in the past, then you can say it was replaced by, or you can say it was converted into, because you are using past tense, right? Now okay. We will see template, and after that your all doubts will be clear. Okay, let's start. The two map illustrate the main changes which have taken place in Grange Park from its open in 1920 to the present. Just two words. You can copy the whole template, right? The two map illustrate the main changes which have taken place in. Now here we can write name of the place. Like if there is a university map, we can write name of university, or here we can write name of town, but now we have park, so Grange Park. Okay, Grange Park from its open in, here year will come here, okay, from its open in 1920 to the present. Clear? First paragraph is ready made, it's available for you, just you need to fill up these things, right? Next we have, now we will talk about the things in detail, and we will write two body paragraphs for that. Body paragraph number one, right? One interesting change is that, like, there was fountain at center of the park. At center of the park. Yeah. Always remember, in map we have to mention location of a particular object. In map, location is compulsory. Okay, one interesting change is that there was fountain at center of park, which has been replaced with a huge rose garden surrounded by many seats. In map you can see rose garden is surrounded by many seats, right? Okay. In 1920, there was not any space for car parking, but a underground car park has been constructed. Yeah, it depends on situation. Like if there is a university, you can write there was not any space for self-study, so library was constructed. Yeah, it depends on situation. In 1920, there was not any space for car parking, but an underground car park has been constructed. Another striking change is that, what a beautiful phrase. Another striking change is that, the pond, you can see the pond for water plant. In location in northeast of the park has been knocked down to make a way for children's play area. Okay,
a completely, then you can write a completely new water feature has also been built in, also been built on the right side of Southern Antti, on the right side of Southern Antti, Southern Antti. We have to mention location. Okay, Antti or entrance. Done. One interesting change is that there was fountain at center of the park, which has been replaced with a huge rose garden surrounded by many seats. In 1920, there was not any space for car parking, but an underground car park has been constructed near southern entrance. Another striking change is that the pond for water plant is in northeast of the park has been knocked down. Knocked down means demolished to make way for children's play area. A completely new water feature has also been built on the right side of the southern entrance. Second body paragraph. Similarly, if we look at the stage for musician, stage for musicians on located on the left hand side of the fountain. Similarly, if we look at the stage for musician on the left hand side of the fountain was demolished and replaced by a huge amphitheater. For concerts. Never write simple sentence. Always try to make complex sentence. Use commas and all that. You don't have to mug up all that. Just take a closer look of this template. Understand it. Where this comma, what is sentence, how's the basic structure. You should practice like this. Okay? They say, similarly, if you look at the stage for musician on the left hand side of the fountain was demolished and replaced by a huge amphitheater for concert. Now, the final. Yeah, before the final one, we can write one more sentence. It depends on the map, but we can write here like, the boundary of the park used to be with lots of seats, but the seats have been shifted in center. Yeah, you can write one sentence by your own. Okay? Yeah. The final interesting development has been the introduction of a cafe. Only cafe is left. Cafe made in place of a rose garden. Near the children's play area. I can look at it. Near the children's play area. That's it. Body paragraph second completed. Map is so easy. If you got map in exam, you are very lucky. Because in map, you just have to mention three things. What was it? Like before, it was a fountain. Then right, where was it? It was in the center of park. Then what it was replaced with? Like it was replaced with a rose garden. Only three things with different vocabs only. It's so easy. Overview, sorry. In general, it appears that Grange, name of the park, Grange, has become much more developed park. It has been rearranged significantly and more infrastructure has been built in, such as a cafe, an amphitheater, or like a children's play area and water features, etc. You can write it, water features, etc. Over the given period. Now you can copy this. In general, it appears that you should always start your overview of the map with this, right? These are few things which you need to learn so that you can produce a good one. Okay, now let's end this video. I hope all your doubts are clear, and if map will come in exam, you all will crack it.